हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल HBD फिट बॉडी पर। दोस्तों चलिए जानते हैं आज हम लोग जालिम लोशन के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों फायदों के बारे में और इस्तेमाल करने का तरीका हमने वीडियो पहले ही बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ लास्ट में आपको कार्ड में भी मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज हम लोग जालिम लोशन के नुकसान के बारे में। जालिम लोशन कैसे आपके लिए हानिकारक है और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है आपको, हम पूरा बताएंगे। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जालिम लोशन है क्या, व्हाट इज जालिम लोशन। दोस्तों जालिम लोशन आपने कभी ना कभी उपयोग किया होगा या फिर नाम सुना होगा। यह ग्रीन रंग का होता है और यह एक जहर है। इसको आप पैक पर देखेंगे तो उस पर लिखा मिल जाएगा कि ये दिस इज अ पॉइजन, आप इसे बच्चों से दूर रखें। इसको आपको स्किन के बाहर तरफ लगाना होता है। दोस्तों जालिम लोशन में आपको 4 से 5 केमिकल और हानिकारक केमिकल देखने को मिल जाएंगे जो हम आगे जानेंगे। दोस्तों इसका जो निर्माता है वो ओरिएंटल केमिकल्स वर्क है। दोस्तों इसकी जो निर्माता कंपनी है वो ओरिएंटल केमिकल वर्क द्वारा इसे निर्मित किया जाता है, जो दोस्तों आपको 10 ml में 25 रुपए में मिल जाता है। दोस्तों ये 1929 से ये कंपनी पर चर्चित है और इसका इस्तेमाल दाद खुजली के लिए किया जाता है। सो दोस्तों इसमें चलिए जानते हैं क्या क्या सामग्री पड़ी हुई है जो आपके लिए हानिकारक है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों बात करें इसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या तत्व शामिल है, कौन सी सामग्रियां हैं। तो इसमें आपको सैलिकेलिक एसिड मिल जाएगा जो 10 ग्राम मिलता है। आपको कैसिया टोरा 5 ml मिल जाएगा, टेनेक्टर लॉनिन 3 ml मिल जाएगा, फेनॉल 2 ml मिल जाएगा, क्रिस्टल वायलेट 0.1 ग्राम मिल जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि सैलिकेलिक एसिड आपको दाद खुजली, कील, मुहासे, सेरिसिस जैसे इन्फेक्शंस में आपकी मदद करता है। इसको लगाने के बाद में आपके फंगल को जलाता है या कहे तो स्किन को भी जला देता है। तो अब आप इसके बारे में समझ रहे होंगे कि अगर ये आपके स्किन को जला देता है तो आपके लिए कैसे फायदेमंद होता है। फायदेमंद तो होता है, लेकिन जहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहां पर उस दाद खाज खुजली के साथ की आपके त्वचा को भी जलाती है और आपके त्वचा को कमजोर बना देती है, जिससे आप वहां पर कोई भी दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही वर्क नहीं करती है। दोस्तों बात करें इसके बारे में, तो कोसिया टोरा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है जिसका खेतों में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वही चीज इसने इस प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया है, तो ये काफी डेंजरस और खतरनाक है। साथ ही साथ में इसमें आप इसको जब सुखाएंगे तो इसमें आपको कांच के टुकड़े भी देखने को मिलते हैं, आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों बात करें नंबर 3 पर, टिंचर एक एंटीसेप्टिक है जो घाव को भरने में मदद करता है। बात करें नंबर 4 फेनॉल, फेनॉल का क्या वर्क है। दोस्तों फेनॉल को आप सब घर पर उपयोग करते होंगे, ये साफ सफाई में करने वाला केमिकल है, लेकिन इसका उपयोग इस मेडिसिन में भी किया गया है जो खुजली इन्फेक्शन रोकता है। तो इसमें दोस्तों काफी हार्ड और जहरीली मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल करें या फिर ना करें। दोस्तों इसका इस्तेमाल कुछ इन चीजों में किया जाता है जैसे खाज खुजली, फंगल इन्फेक्शन, उंगली के बीच में फंगल होना, सरोइसिस, एक्साइजेमा जैसे कुछ चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके कुछ दुष्प्रभाव और इसके नुकसान के बारे में, तो ये आपके त्वचा को जला देता है। नंबर 2 पर ये आपकी त्वचा को काला कर देता है, यानी कि डार्केनिंग ऑफ स्किन, त्वचा पर निशान छोड़ देता है जो काफी दिन तक नहीं मिटता है। खुजली और जलन होता है। दोस्तों जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इतना आपको पेन होता है कि आप इसको लगा नहीं पाएंगे। स्किन पर रूखापन आ जाता है, चेहरा काला हो जाता है, त्वचा काफी पतली हो जाती है, जिससे भी कोई दूसरी मेडिसिन सही वर्क नहीं करती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप कोई भी महंगी से महंगी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो प्लीज इसका इस्तेमाल आप किसी विशेष चिकित्सक के अनुसार ही करें। अगर आपको दाद खाज खुजली या फंगल इन्फेक्शन है तो आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाएं और अपनी जांच कराएं, फिर मेडिसिन लें। आपको अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है, नहीं तो आप काफी सारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इसको क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। दोस्तों बात करें इसके सावधानियों के बारे में,
लोशन को हाथ से ना लगाएं, इसे आप किसी क्लॉथ या ऐसी चीजों से इस्तेमाल करें जो आपके हाथ में ना लगे। दोस्तों इसका लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको कहीं ऐसी जगह ना लगा लें जहां पर इसके लगाने से प्रॉब्लम हो। जॉलिन लोशन लगाने के बाद में हाथों को अच्छे से धोएं, बच्चों से दूर रखें, इसे लगाकर अलग रखें और लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए।